अरे काटेगी टक्कर, ओ भाई। हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आपका एक और नई ड्रैग रेस वीडियो में। आज जो ड्रैग रेस हो रही है ना, वो सेम सेगमेंट की गाड़ियों के बीच हो रही है। कौन सी गाड़ियों के बीच? होंडा सिटी वर्सेस हुंडई वरना, पेट्रोल डीजल। ये जो है भाई 20 वेरिएंट है और ये अपना 21 वाला वेरिएंट है। देखा जाए ये 1600 cc है, ये 1500 cc है, ये 5th generation है जो बिल्कुल अब लेटेस्ट आ रही है, और ये इसके बाद अब 1.5 वाली आती है। ये BS6 है, ये BS4 है। तो देखा जाए, हमने चैनल पे आपने पहले भी ये सेम ड्रैग रेस देखी होगी, पर वो थी होंडा सिटी CVT ऑटोमेटिक वाली। उसमें आपको पता ही भाई बहुत ज़्यादा लैग है। और आज जो ये वाली हो रही है, ये है मैनुअल। मैं आपको दिखा देता हूँ भाई अंदर से एक बार, ये देखो भाई 6-speed गियर बॉक्स है, 8000 तक RPM, ये मैनुअल वाली है। और ये वाली जो है, ये अपनी ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर जो आती है, 6000 तक RPM है। तो भाई उस वाले जो है ना, वो CVT, तो देखो आपको पता है उसमें लैग इतना है, इतने में तो वरना बढ़िया चली जाती है। जो ये वाली होंडा सिटी है ना, ये मैनुअल, ये जो है भाई, इसमें तो चलो अपने हाथ में ही हो गया गियर चेंज करना, तो इसका जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग रेस हो सकती है। इंजन स्पेक्स की बात कर लेते हैं, तो इसमें जो हमें 119 BHP, उसी के साथ 145 Nm का टॉर्क मिलता है। उसी तरह बात करें वरना की, तो इसमें 1600 cc, 126 BHP और 260 का टॉर्क हो गया। तो देखा जाए पावर तो इसी की ज़्यादा है, पर वही है ना, ये नई है और ये बहुत खुल के चलती है गाड़ी, क्योंकि मैनुअल होगी। पर ऑटोमेटिक का भी आपको पता है भाई, ये बहुत अच्छे से ट्यून हो रखी है। ट्यून मतलब जो इसका कंपनी गेयरबॉक्स देती है, वो अच्छे से ट्यून हो रखा है। वैसे हमने कोई, दोनों गाड़ियाँ स्टॉक है वैसे। तो देखते हैं भाई कौन इस राउंड की, इस रेस की विनर रहता है। करते हैं इसके फर्स्ट राउंड को शुरू। तो भाई फर्स्ट राउंड जो है वो शुरू हो रहे हैं। हम इस गाड़ी में 3 भाई बैठे हैं। तुषार भाई क्या लग रहा है भाई? देखते हैं, शायद वो जीत जाए। वो जीत जाए भाई आपके हिसाब से? हां तो वरना भाई, वरना उस गाड़ी में 2 ही भाई बैठे हैं। ट्रैक्शन एसी कैसे क्या कुछ करोगे? ठीक है भाई, इसमें भी ट्रैक्शन नहीं आता, एसी ऑफ कर देता हूँ। चलो मैं भी डीप है भाई, कोई मोड वगैरह कुछ नहीं है। ओ भाई 3-2-1 करेंगे। लो भाई इनिशियल में तो अपनी निकल गई, आगे देखते हैं लॉन्ग रन में। भाई वैसे कितने मीटर हो चुका होगा अभी तक? 400 मीटर हो गया होगा, 400 मीटर तो हो चुका भाई। और उसके बाद भाई स्पीड तो हम दिखा नहीं सकते, ब्रेक ले रहा हूँ भाई मैं तो। यारी तो बढ़िया गैप से थोड़ा ऐसे चला लेता भाई, गर्मी भी ज्यादा। क्या कहना चाहोगे भाई? अभी फर्स्ट ही राउंड था, फर्स्ट ही राउंड था भाई, आगे देखते हैं। फर्स्ट ही राउंड था भाई अभी तो। चलो भाई, भाई तब तो विनीत के हाथ में रहती है ना, तो होंडा जीतती है भाई, इसलिए थोड़ा हैवी ड्राइवर है। भाई लॉन्चिंग सही हुई थी? लॉन्च हल्का सा 1 सेकंड लेट हो गया, और इस पहले राउंड में तो वरना जीत गई है। टू थ्री, 1 सेकंड पहले निकली है वो गाड़ी। भाई फोन बंद हो गया, और 1 सेकंड जैसे पहले वो निकली थी गाड़ी, पर फिर भी चल रही है, टक्कर चल रही है, चल रही है, चल रही है, चली जाएगी, चली जाएगी इस राउंड में तो, चली जाएगी। पहले स्टार्टिंग में लॉन्चिंग में हुई दिक्कत, नहीं नहीं अरे काटेगी टक्कर, ओ भाई। अब तो ब्रेक ले रहा हूँ भाई, ब्रेक ले रहा हूँ, आगे मेन रोड आगे थे भाई। अरे भाई भाई तो फिर भी चली गई भाई, गेम पलट देती कभी भी, गेम चेंजर, दोनों गाड़ी गेम चेंजर है भाई। भाई ये तो मतलब यूं मान ले थोड़ा अटपटा राउंड हुआ था, पर फिर भी लास्ट में निकल रही भाई। कैसा लगा ये आईवी टैग? भाई मैं बताता हूँ, थोड़ी दिक्कत हुई थी मेरे साथ इस राउंड में। मतलब पहले तो जैसे वो स्टार्टिंग में तो 1 सेकंड पहले वो चली गई थे आप, उसके बाद क्या हुआ, चलती चलती वो फोन का कैमरा बंद हो गया, उसमें ध्यान चला गया मेरा, इतने वो गैप कम हो गया, फिर मैंने पंजा दबाया, फिर एक बार टक्कर हो गई थी बिल्कुल। थर्ड राउंड में चलते हैं वहीं से ही करते हैं। 1 सेकंड, ओ भाई वो रुक जाओ भाई, रुक जाओ, कंट्रोल कंट्रोल उनकी भाई की खड़ी खड़ी में आगे, कंट्रोल ब्रो कंट्रोल। रुक जा, रुक
ठीक है चल। एसी भी ऑफ है भाई हमारा। भाई ये तो बहुत गैप बना गई, नहीं आ रही वो तो बहुत गैप बना गई भाई। राव साहब हार गए वो तो। मैं तो पंडित जी भाई। अरे उनको बोल रहा अच्छा, हूँ उनको बोल। राव साहब भी तो देख रहे होंगे वीडियो। अच्छा अरे भाई ये तो अब तो और ज्यादा गैप बन गया भाई। वो पहले हम तीन भाई थे, अब दो उसमें और दो ही इसमें। वो भाई अब उतर गए थे। मैं ब्रेक ले रहा हूँ भाई क्योंकि तो कितनी लंबी कर लो भाई 400 मीटर में तो भाई बढ़िया गैप से जीत रही है। ड्राइवर इंटरचेंज करके देख लो। मैं चला लेता हूँ होंडा सिटी को क्योंकि वो थोड़ा हैवी ड्राइवर मानता ना अपने आप को तो चलो भाई। बाकी वो कह रहा है कि अगर इसमें भी वरना जीतती है तो वरना ही विनर रहती है। बाकी देखते हैं अब वो भाई चेंज कर रहे हैं। हम इतने एसी के हवा खा लेते हैं। तो भाई होंडा सिटी के ओनर आ गए हैं। भाई आप तो कह रहे थे पहले, वो भाई बता रहे थे कि आप कह रहे थे गाड़ी हरा दूंगा मैं। इस बार भाई क्या हुआ, एक तो गियर चेंजिंग में ध्यान नहीं दिया मैंने और हैंड ब्रेक से उठाई थी, हैंड ब्रेक भी लेट छोड़ा जब दिक्कत आ गई थी। चलो कोई नहीं भाई, आप पकड़ लेना, बीच में स्क्रीन पे क्लिक करते रहना। दो ही भाई उसमें बैठे और दो ही भाई इसमें बैठे हैं। गैप तो कम हुआ है यार। ओ भाई रुक जाओ भाई। हाँ गई 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 नहीं नहीं गई गई भाई होंडा सिटी गई है तो गई भाई। तो भाई हम तो लास्ट राउंड कह रहे थे पर प्रथम भाई कह रहे हैं। भाई क्या कहना चाहोगे अभी क्या हो रहा है? भाई ये कहना चाहूंगा कि ऑटोमेटिक मैनुअल से ज्यादा भागती है 1.6 डीजल वरना, और हर राउंड में आगे थी सिटी 150 तक, मतलब ज्यादा गैप तो नहीं था। ऐसा नहीं कहूंगा कि एक गाड़ी का गैप था, साथ साथ ही चल रही थी। ये लगा लो कि होंडा सिटी का बोनेट बोनेट आगे था। और अभी जो राउंड करा है अभी जो इससे पहले अभी जो इससे करने से पहले करा है इसमें तो वरना ने जाने ही नहीं दिया, साथ साथ चल रही थी और 150 के बाद वरना निकल जाती है। तो अभी ड्राइवर चेंज करके देख रहे हैं। अब मैं ये देख अब मैं ये दिखाना चाहता हूँ पब्लिक को कि आप कम गैप बना पाओगे। चलो भाई ठीक है ठीक है। लो भाई आप पकड़ने भाई। इतने सारे राउंड करके देख लिए क्या कहना चाहोगे भाई? भाई आपने तो दोनों ही गाड़ी चला के देख ली कि वरना 1.6 ज्यादा फास्ट है इससे। एक तो मैनुअल है उसका फायदा होता है और वीटेक एंड तक जाता है, जो एंड पावर बैंड है बिल्कुल बिल्कुल वो एंड तक दिखाता है, तो गियर चेंज करने की जरूरत पड़ती नहीं छोटे गियर में चलती है। ऊपर से ये नेचुरली एस्पिरेटेड है, वो टर्बो है टर्बो है। अब ये गर्मी जितनी भी टर्बो कार्स होंगी वो पूरी अपनी परफॉर्मेंस नहीं निकालेंगे नहीं निकालेंगे और ये हीट भी जल्दी हो जाती है, हीट हो जाती है। और टर्बो है ना भाई क्योंकि ये नेचुरली एस्पिरेटेड है, ये उतनी ही निकाल लेगी वो नहीं निकालेगी, वो 126 bhp है तो वो कम निकाल रही है। बाकी आपने इसकी जब मैनुअल के साथ करी थी तब कितना गैप बना था भाई? मैनुअल में तो ये खारी थी, खारी मैनुअल में तो फिर ये हो गया ना कि वरना वो वाला भी ड्राइवर इतना अच्छा चाहिए जितना सिटी का है, जितना ड्राइवर का फर्क आएगा ही आएगा, चाहे कोई भी कितना अच्छा ड्राइवर हो कुछ ना कुछ फर्क आएगा ही आएगा ही आएगा। तो ड्रैग में मैनुअल है तो ड्राइवर पे डिपेंड हो जाता है। तो विनर 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 बनना है आज की रेस में। यस सर। हाँ भैया वो भाई कह रहे थे कि यार आज तो और आगे जाएंगे। कोई नहीं भाई आज आपका जीत है, जीता अगली बार अगली बार। चलो ठीक है भाई, थैंक यू भाई आने के लिए। ओके भाई, तो भाई यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।